नमस्कार, धर्मज्ञान के दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कविता राणा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लव जिहाद विरोधी कानून को और भी ज्यादा पावरफुल क्या बनाया। यूपी के भैया जी अखिलेश यादव मोगेरी लाल के सपने देखने लगे, योगी को हराने की भविष्यवाणी करने लगे, तो वहीं दूसरी तरफ संसद में राहुल गांधी पीएम मोदी के चक्रव्यूह को तोड़ने की कसमें खाने लगे हैं और इन दोनों मसलों पर बकायदा तंज कसते हुए कल के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ये तक कह दिया कि अब इन्हें तालिबानी शासन चाहिए। क्या है पूरा का पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं धर्म ज्ञान की इस खास रिपोर्ट में। हिंदुत्व की डगर पर योगी बाबा का बड़ा दांव, लव जिहाद का किया परमानेंट इलाज, लव जिहाद कानून पर विपक्ष बदहवास, चक्रव्यूह तोड़ने में लगे राहुल एंड कंपनी, अब क्या कौरवों को चाहिए तालिबानी शासन। कल की पीठाधीश्वर ने विपक्षी ताकतों को किया बेनकाब, देखे सिर्फ धर्म ज्ञान पर। अब न ही बहला फुसला कर और डर दिखाकर शादी की जाएगी और न ही बल प्रयोग किसी का धर्म परिवर्तन किया जाएगा, और अगर ऐसा करते हुए कोई पाया गया तो उस पर योगी का हंटर चलेगा। यूपी की विधानसभा से लव जिहाद एंटी विधेयक पारित हो चुका है। कानून तो पहले से था लेकिन अब इसे और भी ज्यादा पावरफुल बना दिया गया है। अब जो कोई भी दोषी पाया गया उस पर 1,00,000 का जुर्माना भी लगेगा और उम्र कैद की सजा भी भुगतनी पड़ेगी। योगी के इसी फैसले पर विपक्षी ताकतों का सिर चकराया हुआ है। लव जिहाद पर आजीवन कारावास पर यूपी के भैया जी अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया सामने आई। बोले कि सांप्रदायिकता का दिया बुझने से पहले फड़फड़ा रहा है। दूसरी तरफ योगी विरोधी ताकतों का कहना है कि विशेष वर्ग को टारगेट किया जा रहा है। इन सब के बीच नए नवेले नेता प्रतिपक्ष बने राहुल गांधी को महाभारत का चक्रव्यूह याद आ रहा है। 21वीं सदी के इस चक्रव्यूह को मोदी का बताकर उसे तोड़ने की बात कह रहे हैं। शुद्धता, सुंदरता और आध्यात्मिक ज्ञान का प्रतीक कमल के फूल की तुलना हिंसा से कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र में एक युवा को, अभिमन्यु को, 6 लोगों ने चक्रव्यूह में मारा था। 6 चक्रव्यूह में फंसा कर मारा था। सर, चक्रव्यूह के अंदर डर होता है, हिंसा होती है, और अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसा कर, ट्रैप कर 6 लोगों ने मारा। मैंने चक्रव्यूह के बारे में थोड़ी रिसर्च की और पता लगा कि चक्रव्यूह का एक दूसरा नाम होता है पद्मव्यूह, मतलब लोटस फॉर्मेशन। तो जो चक्रव्यूह होता है स्पीकर सर, वो लोटस के शेप में होता है, कमल के फूल के शेप में होता है। 21वीं सदी में सर एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है स्पीकर सर, वो भी लोटस की शेप में है सर, और उसका चिन्ह प्रधानमंत्री जी अपनी छाती पर लगा के चलते हैं। सर, जो अभिमन्यु के साथ किया गया था, जो अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया गया था, वही हिंदुस्तान के साथ किया गया है। हिंदुस्तान के युवाओं के साथ, हिंदुस्तान के किसानों के साथ, हमारी माताओं बहनों के साथ, स्मॉल बिजनेसेस के साथ, मीडियम साइज बिजनेस के साथ। देखा जाए तो इन दिनों जो कोई भी पीएम मोदी या फिर सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधता, उन पर हमला करता है, तो उसे मुंह तोड़ जवाब कल के धाम से दिया जाता है। जी हाँ, पूर्व कांग्रेसी रहे कल के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम इस वक्त फुल एक्टिव में है और अपने इसी एक्टिव मोड में एक तरफ जहाँ वो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी ना ही अभिमन्यु है और ना ही अर्जुन, उन्हें ये मालूम ही नहीं है कि वो है क्या, और ये एक बहुत ही शोध का विषय है। तो वहीं किन के लिए वो तालिबानी शासन की बात कह रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। तो आचार्य प्रमोद कृष्णम की गिनती ऐसे नेताओं में होती है जो सही को सही, गलत को गलत बोलने से कभी कतराए नहीं। कांग्रेस में रहकर इन्होंने सरकार की खामियों का विरोध तो किया लेकिन राष्ट्रहित में पीएम मोदी के किए गए हर कार्य को सराहाया भी। रामलला के दर्शनों के बाद खुलकर कहा कि अगर पीएम मोदी ना होते तो राम मंदिर नहीं बन पाता, और अब जब इनसे कांग्रेस नेता का टैग हट चुका है तो खुलकर कांग्रेस एंड कंपनी की बखिया उधेड़ते हैं।
लव जिहाद एंटी कानून पर आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा कि जहां लव है वहां जिहाद नहीं हो सकता और जहां जिहाद है वहां लव नहीं हो सकता। विपक्ष का एकमात्र लक्ष्य है भारत की सनातन संस्कृति को खत्म करना। ये लोग तो तालिबानी शासन चाहते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो फैसला लिया है वो संविधान और सांस्कृतिक व राजनीतिक दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छा है। मैं इस फैसले का स्वागत करता हूँ। हर धर्म धर्म ग्रंथ और महापुरुष ने कहा है कि हमेशा सच बोलो और ऐसे में झूठ बोलकर रिश्ता बनाना ठीक नहीं। इस फैसले को लेकर मैं योगी सरकार की सराहना करना चाहता हूँ। अब जब संसद से राहुल गांधी ने चक्रव्यूह तोड़ने की बात कही तो इसके जवाब में आचार्य प्रमोद कृष्णम ने उन्हें आईना दिखा दिया। पहले तो उन्हें इस बात का ज्ञान दिया कि चक्रव्यूह में 7 द्वार थे और 7 महारथियों ने मिलकर अभिमन्यु का वध किया, ना कि 6 ने। और अगर वो खुद को अभिमन्यु या फिर अर्जुन समझते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो क्या है वो खुद भी नहीं जानते। कुछ पर्ची मास्टर उन्हें बोलने से पहले पर्ची थमा देते हैं और आज उन्हीं की वजह से कांग्रेस की दुर्दशा सबके सामने है। यूपी में अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ को हटाने की भविष्यवाणी कर रहे हैं, उनकी सत्ता जाने की भविष्यवाणी कर रहे हैं, और दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं जो संसद में पीएम मोदी के चक्रव्यूह को तोड़ने की भविष्यवाणी कर रहे हैं। अब आज के इस परिदृश्य में, आज के इस डेट में कौन कौरव है कौन पांडव है ये तो आप तय कीजिएगा। और इसी के साथ साथ यूपी में इस वक्त जो लव जिहाद के खिलाफ जो कानून है उसे जिस तरह से पावर जिसकी पावर और बढ़ा दी गई है उस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके बताइएगा जरूर। क्षेत्र में एक युवा को अभिमन्यु को 6 लोगों ने चक्रव्यूह में मारा था, 6 चक्रव्यूह में फंसाकर मारा था। सर चक्रव्यूह के अंदर डर होता है, हिंसा होती है, और अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर ट्रैप कर 6 लोगों ने मारा। मैंने चक्रव्यूह के बारे में थोड़ी रिसर्च की और पता लगा कि चक्रव्यूह का एक दूसरा नाम होता है पद्मव्यूह, मतलब लोटस फॉर्मेशन। तो जो चक्रव्यूह होता है स्पीकर सर वो लोटस के शेप में होता है, कमल के फूल के शेप में होता है। 21वीं सदी में सर एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है स्पीकर सर, वो भी लोटस की शेप में है सर, और उसका चिन्ह प्रधानमंत्री जी अपनी छाती पर लगा के चलते हैं। सर जो अभिमन्यु के साथ किया गया था, जो अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया गया था वही हिंदुस्तान के साथ किया गया है, हिंदुस्तान के युवाओं के साथ, हिंदुस्तान के किसानों के साथ, हमारी माताओं बहनों के साथ, स्मॉल बिजनेसेस के साथ, मीडियम साइज बिजनेस के साथ।